दोस्तों आज हम सीमेंस के टाइमर के बारे में डिस्कस करेंगे। ये सीमेंस कंपनी का है, इसे इलेक्ट्रॉनिक्स टाइमर या स्टार डेल्टा टाइमर भी कहते हैं, क्योंकि ये टाइमर स्टार डेल्टा स्टार्टर के टाइमर में यूज होता है। और अब हम इसकी वायरिंग को भी देख लेते हैं। इसमें कोई टाइमिंग की बहुत बड़ी सेटिंग्स नहीं होती है। इसमें जो फ्रंट में डायल दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग ही सेकंड के हिसाब से ही सेटिंग की जाती है कि हमको किस टाइप के किस कॉन्टैक्टर में कितनी सेटिंग्स करना है। और इसमें ये इसकी डायग्राम दिया हुआ है A1 A2, इसमें नंबर ऑफ टर्मिनल्स होते हैं। इसमें जो टर्मिनल हैं ये इसमें 230 और 24, इन दोनों के लिए अलग अलग यूज किए गए हैं। 24 के लिए A3 यूज करते हैं और A1 230 के लिए यूज किया जाता है। और 17 नंबर यहाँ कॉमन है, जो कि यहाँ पे लूप करके कॉमन कर दिया जाता है। और इसके अलावा हमको स्टार और डेल्टा करना है तो 17 और 18 से स्टार के लिए कनेक्शन जाएगा और 28 डेल्टा के लिए जाएगा। जो A2 है इसमें 230 या माइनस का जो माइनस कॉमन है वो सप्लाई यहाँ पे जाएगी। अब हम इसकी वायरिंग की देख लेते हैं। ये जो सप्लाई है, सप्लाई से A1 और A2, क्योंकि 230 की हम सप्लाई दे रहे हैं तो यहाँ A1 में कनेक्शन होगा। अगर 24 की सप्लाई देखें तो A3 में कनेक्शन होगा। और A1 से ये 17 नंबर को लूप कर दिया गया है। और यहाँ 18 से जो सप्लाई गई है वो स्टार वाली LED में गई है, कॉन्टेक्टर में गई है। जो 28 से जो सप्लाई गई है वो डेल्टा में गई है। इस प्रकार इस टाइमर के कनेक्शन होंगे। अब हम इसकी टाइम ये देख लेते हैं कैसे काम करता है। यहाँ पे हमने 12 सेकंड के लिए इसको सेट किया हुआ है। यहाँ पे हमने 3 सेकंड के लिए इसको सेट किया है, तो 3 सेकंड के बाद इसको स्विच कर जाना चाहिए। ये अभी स्टार में चल रहा है और ये डेल्टा में चला गया। इस प्रकार ये टाइमर का वर्क करता है।